अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नायाब ज़ीशान और अभी मैं इस वक्त अपने क्लिनिक में हूँ, नायाब ज़ीशान एस्थेटिक क्लिनिक में। अच्छा, आजकल काफ़ी लोगों को मसले हुए हैं ड्राई स्किन के हवाले से, क्योंकि सीज़न ऐसा है, वेदर और अच्छी खासी सर्दी है, तो मुझे भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि ड्राई स्किन पे हम क्या कर सकते हैं, और लोगों का दिल भी नहीं करता उठ के क्लिनिक जाने को या किसी सैलून जाने को या कुछ करने को, क्योंकि सर्दी इस तरह से है, बस बिस्तर में घुसे हुए हैं और फ़ोन हाथ में है और बस हमें रेमिडीज़ चाहिए। तो मैंने आज कुछ सोचा कि लोगों का जिनका जो बहुत सुस्त हैं, जिनकी तबीयत में ऐसा है कि नहीं दिल करा कहीं क्लिनिक आने को, और वो घर बैठे प्रॉब्लम में भी हैं कि उनकी स्किन बहुत ड्राई है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट इस तरह से चीज़ें रेफ़र नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बहुत पुरानी चलती आ रही हैं और उनके नुकसान बिल्कुल भी नहीं हैं और उनको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे करने से पहले मैं पहले ये बात क्लियर करना चाहूँ कि हर एक की स्किन डिफरेंट होती है। अगर किसी को फ़ायदा होता है तब अच्छी बात है, लेकिन इससे नुकसान कोई नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि हमें ये लगाने के बाद नुकसान हो जाए, तो वो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं इस चीज़ के लिए। तो अच्छा, आप सारी खवातीन मतलब घर में होते हैं और किचन में भी तो आपका आना जाना है ही, तो हमारी कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमारी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो सकती है। लाइक अगर हम हमारे घर में रोज़ वाटर, हर एक के घर में रोज़ वाटर होता है, एक रोज़ वाटर, एक ग्लासरीन और एक लेमन, ये तीनों चीज़ें अगर हम एक ही क्वांटिटी में, लाइक अगर हमने एक लेमन ले लिया है उसका हम जूस निकालते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में हम ग्लासरीन ले लें और उससे थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा हम रोज़ वाटर ले लें, हम तीनों का मिक्सचर बनाएं और एक स्प्रे बॉटल में रख लें, ठीक है। आप वज़ू करते हैं, वज़ू के बाद आप कुछ ना यूज़ करें, जस्ट आप उसको एक स्प्रे अपने फेस पे कर लें, आपको बहुत फ्रेश लुक आती है, उससे आपका जो डल स्किन है वो इन्हांस होती है, स्किन ब्राइट होती है, निशान कम होते हैं, चेहरे से दाग कम होते हैं, और सबसे बड़ी बात ग्लासरीन, ऑब्वियसली हर क्रीम में ग्लासरीन डलती है मॉइस्चराइज़र की तौर पर, तो ग्लासरीन अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो उसका बहुत फ़ायदा है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना के लगाते हैं सर्दियों में, तो ये बहुत बेनिफिट है आपकी स्किन के लिए। तो आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, स्किन से रिलेटेड यूज़ करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।